सातवें चरण के चुनाव में 3 दिन का वक्त बचा है। लोगों के अपने मुद्दे अपनी बातें, लेकिन सवाल है कि क्या नेता और सियासी दल इस चुनाव को, खासकर सातवें चरण को, किस खास दिशा में मोड़ रहे हैं? क्या यूपी बिहार की बची हुई 21 सीटों को ध्यान में रखकर पार्टियां खास तरह की स्ट्रेटजी, खास तरह की रणनीति बना रही हैं? और क्या इसी कड़ी में हिंदू मुस्लिम को लेकर बयानबाजी की रफ्तार बढ़ रही है? क्या जाति धर्म वाला कांटा विकास और दूसरे मुद्दों पर ग्रहण लगा रहा है? बड़े बड़े दावों के बीच जमीन पर जनता के दिल में क्या है, इसे लेकर हमने एक चुनावी प्रयोगशाला तैयार की। इसे देखेंगे तो हर चरण के साथ मुद्दों का कैलकुलेशन, एक्शन और रिएक्शन सब साफ हो जाएगा। सातवें चरण से ठीक पहले आपको चुनाव की प्रयोगशाला में लेकर चलते हैं। इसकी झलक तो आप पहले चरण से ही देख रहे हैं, लेकिन महसूस अब करेंगे। अब तो फाइनल प्रोडक्ट निकलने ही वाला है। इसमें होता यह है कि जब रैलियों में तीखे बयान उबाल मारते हैं तो नए नए मुद्दों का आविष्कार होता है, एक्शन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ता है और यही कॉम्बिनेशन जनता तक पहुंचता है और फिर इन्हीं सबको ध्यान में रखकर मतदाता वोट डालते हैं। तब कहीं जाकर काउंटिंग के दिन कैंडिडेट की हार जीत तय होती है। अगर मुद्दा देखा जाए तो सबसे अहम मुद्दा महंगाई है। हम लोग का बिहार इतना पिछड़ा है, कहीं भी जाओ तो सब बिहार को बिहारी बोलते हैं। हम लोग अभी पढ़े लिखे हैं, एमए कर चुके हैं, यहाँ पे कोई हम लोग को जॉब वगैरह नहीं मिलता है। आज की सरकार ये है कि 2 करोड़ युवाओं के अकार रोजगार छीन ले रही है, तो ये लोग रोजगार देंगे कहाँ से? हमारे महिला का विकास अच्छा हो, हमारे महिला जी सके अच्छा से। बदलाव जरूरी है, एकदम जरूरी है। अच्छा सरकार होना चाहिए कि हम लोग का पेट भरे, हमारे हम लोग बच्चे का काम है ना, धंधा कैसे दिखाएगा? क्योंकि हमारे बुनकर लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बड़ा भुखमरी का शिकार है। ये जो इतना तेजी से बेरोजगारी फैल रही और ये गरीब लोग कहाँ से जिएंगे खाएंगे? ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार है नहीं। बुनकर का लूम चले ना चले, इनको तो बिल का पैसा देना है। नहीं पढ़ाई हो रहा है, नहीं नौकरी मिल रहा है, नहीं सूद से खाना मिल रहा है। नतीजों में अभी वक्त, लेकिन नेता मुद्दों को कसकर पकड़ रहे हैं। हिंदी वालों पर पूर्वांचल का प्रहार होगा और पूर्वांचल का प्रहार जिस पर हुआ वो मैदान से भी बाहर जाकर गिरता है। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। पहले आपके अलग अलग रास्ते थे, सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। तो मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है, अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। अब बात मुद्दों की चली है तो इसे चुनावी प्रयोगशाला के नजरिए से समझिए, क्योंकि यहां 2024 लोकसभा चुनाव वाले हर दौर के मुद्दे दिखाई पड़ेंगे, वो भी बड़े गठबंधन के हिसाब से। एनडीए मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी की छवि के सहारे 400 पार के नारे पर सवार, विकास और मजबूत नेतृत्व का कॉम्बिनेशन जब विरोधियों पर वार करता है तो बीजेपी को बल मिलता है, ऐसा दावा। राम मंदिर और सनातन के नाम पर बीजेपी और सहयोगियों ने इंडिया अलायंस को आड़े हाथों लिया, मंदिर को मुद्दा बनाया। लेकिन चुनाव में घुमाव तब आया जब घुसपैठी, मंगलसूत्र जैसी बातें होने लगी। उसमें भी राहुल के करीबी सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर बयान देकर वार को नई धार दे दी। चौथे चरण के बाद तो आरक्षण संविधान के नाम पर बीजेपी ने कांग्रेस को दलित, आदिवासी और ओबीसी विरोधी कहना शुरू कर दिया। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी ने एक मुद्दा पकड़े रखा, मुस्लिम आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण,
इसी को लेकर अभी तक आगे बढ़ भी रही है। ये समाजवादी पार्टी के लोग तो रामद्रोही है, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, और ये आज भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देगी। बीजेपी के वार के सामने विपक्ष ने भी काउंटर अटैक तैयार रखे और वक्त के साथ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस ने चुनाव से पहले जातिगत जनगणना को मुद्दा बना दिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात पहुंचा। एक और बात पकड़ कर रखी, नौकरी और बेरोजगारी। इसके साथ पेपर लीक को भी राहुल गांधी हर रैली में बोल रहे हैं, मोदी सरकार को घेरते। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इसके बाद से आम जनता पर महंगाई की मार को भी चुनावी कैंपेन में शामिल किया। आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के बयान गिराए, दावा किया कि अगर मोदी सरकार फिर से बने तो आरक्षण खत्म करवा दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि 400 सीट इसलिए मांगी जा रही हैं ताकि संविधान बदल दिया जाए, और फिर अपनी बात भी रखी जाती है। कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो फिर 50% आरक्षण वाली सीमा हटा देंगे। अब फाइनल फैक्टर के तौर पर खटाखट फटाफट 30 लाख पक्की नौकरी और महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए सालाना देने के वादे भी किए जा रहे हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या अभी युवा जो है बेरोजगार हैं, उनके लिए नौकरी का कोई यहाँ पर कोई समाधान नहीं हो रहा है। मुसलमानों की जहाँ तक बात है, आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं, 3 तलाक से क्या मुसलमानों को फ़ायदा होने वाला है? 3 तलाक से तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर देश में। तो आज के डेट में जो है मुसलमान के पास आज कुछ नहीं है, जो कुछ है बस खाली हिंदू मुसलमान मोदी जी कर रहे हैं। आज 10 साल से राज कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, बाकी उनके पास ना विकास का मुद्दा है ना कोई मुसलमान का मुद्दा है। मुद्दे ये हैं कि एक सेकुलर भारत होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम से अलग होना चाहिए, महंगाई बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो भी सरकार अभी पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार बनी है, तो इस सरकार ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें तो की हैं, मगर जो चीज़ होनी चाहिए जो ज़मीनी स्तर पे, वो आपको उस तरीके से नज़र नहीं आएगा। ये सही है कि इस बार चुनाव में मुद्दे लगातार बदले, किसी एक थीम पर चुनाव नहीं हुआ, मगर जनता के बीच एक खास किस्म का मैसेज जा रहा है। अब 7वें चरण के चुनाव से पहले पूर्वांचल को लेकर सवालों का एक गुलिंदा इकट्ठा हो गया। सवाल, चुनाव के बीच शरिया पर सियासी संग्राम क्यों? क्या चुनाव को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश है? क्या 7वें चरण में वोटों का ध्रुवीकरण करना ही मकसद है? मुस्लिम आरक्षण के नाम पर किसके वोट बढ़े? ओबीसी लिस्ट की समीक्षा के नाम पर किसकी सीट बढ़ेगी? क्या ध्रुवीकरण है सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगा? सरकार अच्छी चाहिए हम लोगों को, जो हर काम पूरा कर सके, महंगाई भत्ता कम कर सके। गरीब को बहुत दिक्कत है, जिसके पास पैसा तो खा लेता है, जो गरीब वो कैसे खा पाएगा। महिला को उम्मीद पे कि सबसे पहले कि आप लोग महंगाई कम करें, उसके बाद शिक्षा में आगे करें, जैसे जैसे और भी स्टेट हैं। हम लोग का बिहार इतना पिछड़ा है, कहीं भी जाओ तो सब बिहार को बिहारी बोलते हैं। एजुकेशन मामला में बिल्कुल पीछे है, तो थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान दें, गरीब लोग के लिए कुछ करें, जॉब दें। बदलाव ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। सरकार को अच्छा करना चाहिए, और क्या करना चाहिए। अच्छा काम कहाँ है, इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, सब चीज़ बढ़ा, सब चीज़ पर तो महंगाई, महिला का कोई यही नहीं है। एक महिला के तौर पर तो यही मुद्दा है सर, कि जो महंगाई है सबसे पहले उसको कम करना चाहिए, जो बेरोजगारी है वो होना चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। वैसे रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लीजिए कि नेताओं की रैली में बात घूम फिर कर हिंदू मुसलमान पर आ क्यों रही है। इसे 7वें चरण की सीटों के पिछले चुनाव नतीजों से समझिए। 1 जून को जिन 57 सीटों पर चुनाव होना है, 2019 में एनडीए अलायंस ने इनमें से 32 सीटें जीती थी। इसमें भी 25 सीट बीजेपी के पास थी, यूपीए को 9 और अदर्स के खाते में 14 सीट गई थी। इस बार समीकरण बदले, पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का अलायंस नहीं है, कांग्रेस और आप समेत 4 कॉर्नर फाइट है। हिमाचल में इस बार सत्ता में कांग्रेस है, 4-0 रिपीट करना चुनौती होगी। बिहार में आखिरी वक्त पर नीतीश बीजेपी के साथ आए, कहा जा रहा है बीजेपी को नीतीश के खिलाफ कथित नाराजगी को काउंटर करना पड़ रहा है।
महंगाई बहुत ज्यादा है, हम लोग को घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। महंगाई बहुत ज्यादा है, कमाई कम है, खर्च बहुत, जानते हैं यहाँ कमाने के लिए विदेश जा रहा है, यहाँ कमा नहीं सकता, इतना है खर्चा बहुत ज्यादा है। महंगाई चल रहा है, बाल बच्चा का पढ़ा ना सक रहे, हर चीज में ये होना चाहिए, हर चीज के तन होगा, सरकार बदलेगा तन थोड़ा कम होगा, हर चीज के महंगाई गिरेगा। यूपी में इस बार कांग्रेस और अखिलेश यादव साथ बीएसपी अलग लड़ रही है, इसीलिए बात खुल्लम खुल्ला जातिगत समीकरण पर भी आ गई। लेकिन मुद्दा जो मेन है वो बस यही है, एजुकेशन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और ये मेन मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज समस्या ये है कि कोई नेता किसी विपक्ष या पक्ष का कोई आ ही नहीं रहा, हम लोग सकल तक नहीं देखे, अब क्या बताऊँ, इससे ज्यादा क्या बताऊँ। एजुकेशन बहुत महंगी है, बच्चे बेरोजगार हैं, और इतने हाई क्वालिफाइड होकर के बच्चे बेरोजगार चल रहे हैं। विकास ही का हो रहा है, नाली गलत बन रही है, पानी सब लीकेज ठीक नहीं हो पा रहा है, सड़क नहीं सही है, पानी की निकासी नहीं सही है, का विकास है। सरकार जो चला रही थी पिछले सालों से बहुत महंगा सब कुछ चल रहा था, हर एक चीज भी। इस बार पूरे देश में बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य रोटी कपड़ा मकान यही मुद्दा है। यूपी वाला फैक्टर इसलिए भी अहम है क्योंकि इस चरण में खुद प्रधानमंत्री मोदी की सीट पर चुनाव है, इसलिए हाई वोल्टेज एक्शन इमोशन सब लाजमी है। हम लोग को वहाँ बिजली की समस्या है कि जो सब्सिडी मिल रही थी उसकी हम लोग समस्या है, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी हम लोग को दे बिजली पर पावर लूम पर तो ये और बेहतर होगा, और बाकी सब काम ठीक है इनका। ये कि हमारे बुनकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, बोला भुखमरी का शिकार है, इसमें कोई कहा बुला के एक दिन हो जाता है, फाका पाती है एकदम नहीं है, खाने के नहीं है, बेरोजगारी, बुनकरों का प्लाइंग रोकना और तरह तरह की छूट में मुबतला करके जो नफरत की आग लगाई जा रही है उस आग को बुझाने के लिए हम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें। रोजगार नहीं है, मोदी जी इस पर ध्यान नहीं दिए, यहाँ बनारस के बुनकर बहुत से दूसरे शहर में चले गए, ये सब चीज़ की कमियाँ हैं। मगर 2019 के नतीजों के साथ यूपी की उन 13 सीटों का अलग से असेसमेंट क्या कहता है ये भी समझ लीजिए। सातवें चरण में यूपी की 13 सीटें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव। बीजेपी ने 13 में से 10 पर कैंडिडेट उतारा है, 3 सीट पर सहयोगी अपना दल एस और ओपी राजभर की पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी 9 और कांग्रेस 4 सीट पर दाम आजमा रही है, जबकि मायावती की बीएसपी सभी 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी 13 में से 9 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 2 सीटें उसके अलायंस पार्टनर अपना दल एस ने जीती थी और 2 सीट बीएसपी को मिली थी। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। बिहार के अंदर लालू जी पहले ही बोल चुके हैं मुसलमानों को, सभी मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब आरक्षण कहाँ से मिलेगा? ये आरक्षण यही ओबीसी और SC ST का आरक्षण में से ये बांट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी SC ST और ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।